हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं नीट 2020 की एग्ज़ाम डेट के पोस्टपोन के रिलेटेड। और भी बड़ी जानकारी यहां पर आ रही है, कुछ अपडेट आया हुआ है, आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं पर भी कुछ भी मिस मत करिएगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर देखने के बाद आपको किसी तरह कभी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सारी जानकारी। तो बच्चों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल का जो दिन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था सभी बच्चों के लिए, क्योंकि सारा दिन जो था यही अपडेट में बच्चे परेशान थे कि कब तक जो है अपडेट इसके बारे में आएगा, लेकिन फिर भी कोई ऐसा सच अपडेट नहीं आया। लेकिन हम आपको बता दें कि उसी से रिलेटेड यहाँ पर जानकारी आ रही है कि कल अपडेट नहीं आ पाया था, लेकिन आज शायद की अपडेट के बारे में यहाँ पर जानकारी। देखिए, ये खबर आई हुई है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 10वीं व 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाएँ आयोजित करवाने पर अपने फैसले के बारे में आज उच्च न्यायालय को अवगत करा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पिछले सप्ताह कहा था कि वह 10वीं 12वीं की बची रद्द परीक्षाएं और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी करने के अनुरोध पर विचार करे। कोर्ट ने CBSE को इसके लिए मंगलवार यानी आज 23 जून का समय दिया था। कोविड-19 महामारी के कारण ये परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। बोर्ड ने पिछले सप्ताह अदालत को बताया था कि वह जल्दी फैसला ले। सो आप लोगों को बता दें कि यहां पर आज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसला लिया जा सकता है। कल भी आई थी खबर कि कल वहाँ पर फैसला नहीं लिया गया था, कोई अपडेट नहीं आ पाया था। तो आज उम्मीद है कि अगर बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला आता है और रद्द होती हैं परीक्षाएं, या फिर कुछ भी होता है, पोस्टपोन होती हैं, या फिर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किया जाता है, तो यहाँ पर इसका इफेक्ट नीट पर भी पड़ेगा और नीट के बारे में भी यहाँ पर फैसला लिया जाएगा। सो बच्चों, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका सपोर्ट दिखाने की ज़रूरत है आपको नीचे कमेंट में कि आप क्या चाहते हैं, वीडियो ये जो एग्ज़ाम इसको पोस्टपोन करवाना चाहते हैं या नहीं पोस्टपोन करवाना चाहते हैं। बच्चों, साथ ही में आपसे एक और ही बात हम करना चाहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं हर जगह पर, उनको कोई काम धंधा नहीं होता है। आपको क्या लगता है यूट्यूब पर वीडियो बनाना इतना आसान होता है? हम सारी खबरें ढूंढ कर लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत से सारी चीज़ें बनाते हैं, फिर भी कुछ ऐसे होते हैं 100 में से 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी कमेंट्स में भी फैलाते हैं और वीडियोस में भी फैलाते हैं, बस वो फेक फेक करते रहते हैं। अब आप लोग खुद ही देखिए, अगर यहाँ पर हम किसी न्यूज़ या फिर ऑफिशियल वेब न्यूज़ पोर्टल की को हम सामने रख करके आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, तो इसमें हम फेक कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? आपको इतनी सी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर सामने बंदा सामने से चीज़ें दिखा रहा है आपको, हम स्पष्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम जो भी न्यूज़ आती है उसका लेटेस्ट अपडेट आपको दिखा करके करते हैं। ये तो नहीं है कि कोई और चीज़ सामने चल रही हो और हम कुछ भी बोलते जा रहे हैं, अपने मन से बोलते जा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको फेक न्यूज़ आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम सामने आपको बता रहे हैं तो इसमें फेक न्यूज़ जैसी चीज़ क्या होती है? ये सारे लोग नहीं करते, लेकिन एक दो लोग ऐसे होते हैं जो बार बार ऐसी चीज़ें करते हैं। तो अगर आपको पसंद नहीं आता है तो इस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मत देखिए वीडियो, बस इतना करिए। और बाकी आप लोगों को नेगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत नहीं, आप दूसरों को भी परेशान करते हैं और खुद भी परेशान होते हैं। सो बच्चों, आप लोगों को बता दूं कि ऐसी बातें मत करा करें, हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, न्यूज़पेपर से आप लोगों के लिए खबरें लेकर के आते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, इन सब चीज़ों में मेहनत लगती है, कोई आसान चीज़ नहीं होती। और हमारा हमको क्या जाता है हम किसी के लिए इतनी सारी मेहनत करें? हम भी चाहते हैं कि आप लोगों का इतनी जो टेंशन है वो सही हो, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प ही करना चाहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में इतना ही, जल्दी आप लोगों से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, कुछ और अपडेट के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।